बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर फाइव, विच नेम वॉज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब अगर आप उसको अपने शरीर डिफाइन करें, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को नापना। आज हम जो है इस यूनिट के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नापना सीखेंगे। आपको पता है जब हमने किसी चीज की लंबाई मालूम, हम चीजों की लंबाई भी मालूम करते हैं, चीजों का वजन भी मालूम करते हैं और उनकी स्पेस जो वो ऑक्यूपाई करते हैं हम वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। इस सबसे पहले मेजरमेंट के अंदर जो चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंथ। लेंथ लेंथ यानी कि लंबाई। लेंथ का क्या मतलब है? व्हेन वी वांट टू नो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है, वो होती है कहलाती है उसकी लेंथ। अब लेंथ मालूम करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर का, उसके बाद उससे बड़ा यूनिट है, अगर मिलीमीटर से ज्यादा लंबी थोड़ी लेंथ हो जाए तो है, बड़ी लेंथ हो तो सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर के बाद आ जाता है मीटर, मीटर के बाद आ जाता है किलोमीटर। अच्छा, आप इसको अगर हम इसको हम देखना चाहें मिलीमीटर के लिए, अगर आपने छोटी सी अपनी ये इसकी निब अगर आपने मेजर करनी है मार्कर, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ना अपना स्केल, स्केल के ऊपर जो है आपका ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्केल है, ये जीरो से लेके वन सेंटीमीटर का, अगर आप अपने स्केल को और से देखें तो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल को अगर आप देखें तो उसके अंदर इस तरह 0, 1, 2 फिर सो ऑन लिखा होता है, और 0 और 1 के बीच में इस तरह 5 लाइंस होती है स्टूडेंट, ये है मिलीमीटर्स की लाइन। अगर अब मैंने इसकी निब नाप मेजर कर लिया ना तो ये 0, 1 के बीच में ही आ जाए, इट्स मीन इतनी छोटी लेंथ के लिए क्या है मिलीमीटर की लेंथ। अब ये देखें 10 मिलीमीटर के बाद क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 10 मिलीमीटर से ज्यादा होगी उसको आप किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में। इसी तरह अब सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड ये है कि अगर एक चीज को अगर हमने फॉर एग्जांपल इस बोर्ड को मेजर करना शुरू किया, वैसे तो नहीं है इसकी मेजर 100 होगी इसकी भी मेजरमेंट, अगर हमने इसको नापना शुरू किया जब जहां पे सेंटीमीटर 100 हो गए वहां पे हमने कह दिया कि वो मीटर के बराबर हो गए, इट्स मीन कि अगर 10 मिलीमीटर के बाद आप कह देते हैं कि आ जाता है 1 सेंटीमीटर, इसी तरह 100 सेंटीमीटर के बाद आ जाता है 1 मीटर, फिर आ जाता है 1000 जब मीटर हो जाते हैं तो आ जाता है 1 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर के अंदर जो किलो का वर्ड है ना, किलो, किलो का मतलब होता है, किलो मीन्स होता है 1000। अच्छा, मैं आपको ये बताई थी कि अगर मार्कर की निब आपने मेजर करनी है तो आप मिलीमीटर में करेंगे, अगर आपने अपना रेजर या अपनी पेंसिल या इसकी पूरी लेंथ मालूम करनी है तो आप सेंटीमीटर में करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कपड़ों के लिए, ड्रेस के लिए आप अपना अगर कपड़ा खरीदने गए हैं तो आप मीटर में लेंगे, आपको पता होगा कि आप अगर अभी आपको 2-3 मीटर के अंदर जो है आप मामा के साथ कभी शॉप पे गए तो आपको पता चलेगा कि मीटर के अंदर मामा कपड़ा लेते हैं। किलोमीटर के लिए लेंथ तब आप मेजर करते हैं जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से लेके आपके स्कूल का डिस्टेंस, लाहौर से लेके कराची का डिस्टेंस, इस तरह जब लंबे डिस्टेंस आपको मेजर करते हैं ना तो वो भी लेंथ होती है, उनको आप किलोमीटर में आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने जो है ना इसमें सीखना है कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है, जब कोई यूनिट स्मॉलर यूनिट, अब देखो इसको देखें तो हमें पता चल रहा है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कंपेयर करें, सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर छोटा है, इन दोनों में मीटर बड़ा और सेंटीमीटर छोटा है, इन दोनों में किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा है, ऐसे ही है ना। देखिए 1 किलोमीटर का इतना बड़ा बॉक्स है जिसमें 1000 मीटर बैठे हैं। अब आपको अगर वो कहते हैं कोई दो यूनिट उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया मिलीमीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन लिए, और आपको अगर आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी मिलीमीटर और सेंटीमीटर की वो होगी 10, सेंटीमीटर और मीटर की होगी 100, और किलोमीटर और मीटर की होगी 1000। जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना जो स्टैंडर्ड होगा आप उसको उसमें से करेंगे डिवाइड, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होगा उसमें से उसको करेंगे डिवाइड, और अगर आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड को करेंगे मल्टीप्लाई। टीचर ने यहाँ स्टैंडर्ड का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई कि कौन सी आपने कन्वर्जन करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये बेसिक आपको यहाँ पे नॉलेज देना यहाँ पे जरूरी था। इसके बाद जो है हम जो है ना आगे अपनी चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे।